हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं जो प्री का जो एसआई का रिजल्ट आ चुके हैं, अगर आई थिंक आप लोग को रिजल्ट भी चेक कर लिए होंगे और साथ ही साथ जो भी आपका रैंक बन रहा है उसके हिसाब से मेंस की भी तैयारी जो कि स्टार्ट कर दिए होंगे, सिलेबस को भी मैंने डिस्कस कर दिया है, अगर नहीं देखो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए 2012 में एसआई मेंस का, वहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, जो आपके एसआई मेंस 2023 में अगर दिलाने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्या आपके मैं इंग्लिश का और आपके हिंदी का कंप्लीट करा चुका है, हमारे छत्तीसगढ़ जीके और भारत के जीके दोनों का मिक्सअप है। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पे इसमें जो आंसर यहाँ पे व्यापम द्वारा लिया गया उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका आपका अगर पीडीएफ चाहते हैं क्वेश्चन पेपर 2012 का, तो मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा जो आंसर लिया गया उसको भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, कैसे टाइप के आंसर जो को लिया गया है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। आप मेंस के 2023 की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हैं, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे तो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो सेशन है। पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो एसआई मेंस जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके छत्तीसगढ़ के जीके और साथ ही साथ आपका इंडिया का जीके आपका, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम 2011 में कुल कितनी सेवाओं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। आपके 2012 के एसआई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 201, 251, 275 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 251, इसका सही आंसर लिया गया था आपके एसआई मेंस में। तो आपका 2012 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम 2011 में लगभग 251 सेवाओं को सम्मिलित किया गया था। इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या पता यहाँ से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपसे आपके 2023 में भी कुछ पूछ सकता है, तो इसको कहा नहीं जा सकता है, जीके जितना भी पढ़ो कम है। अगला, और यहाँ पे अगर इंग्लिश सेक्शन वाले आप इंग्लिश वाले देख सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ पे देख सकते, दोनों सेक्शन इसमें कंप्लीट है, तो हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश सेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में भारतीय रेल से कितने औद्योगिक गलियारों को विकसित करने हेतु समझौता किया गया था, 2, 3, 4 या 5, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके 2012 का ये आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स था, ये आपके वहाँ से इसका जो सही आंसर 3 लिया गया था। तो वर्तमान में आपके लिए बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता दूंगा। तो आपका उस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन था, तो इसका 3 आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार मुख्य रूप से क्यों किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार स्वराज की मांग को पूरा नहीं करना चाह रही थी, या कमीशन ने यहाँ पे दलितों की आवश्यकता पूरा नहीं किया था, या सिख मुस्लिम मुस्लिम आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो साइमन कमीशन को जो बहिष्कार है मुख्य रूप से क्यों किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार जो स्वराज की मांग को पूरा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए यहाँ पे साइमन कमीशन का यहाँ पे मुख्य रूप से बहिष्कार किया गया था। इसका जो ऑप्शन आंसर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो विद्यापति, सूरदास, जयदेव या डी आपके मीराबाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जयदेव। तो याद रखिए गीत जो गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव है इस गीत गोविंद के लेखक। तो याद रखिए जो गीत जयदेव है एक आर्थर था, आर्थर है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गीत गोविंद के लेखक अगर कौन पूछा पूछ भी दे तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जयदेव इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सख युग के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है, तो आपका चैत्र महीना, माघ, पौष या आपका फाल्गुन। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, फाल्गुन। तो याद रखिए सख युग के आधार पर जो राष्ट्रीय कैलेंडर का जो आखिरी महीना आपका फाल्गुन होता है, तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन होगा फाल्गुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी थी, ये अब तक की जो कि बूझी नहीं जा सकी है, वैदिक भाषा थी, चित्रों एवं तस्वीरों को प्रदर्शित किया जाता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का लोगों के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली लिपि जो कि ज्ञात नहीं था, इन लोग उनका जो बात करने का तरीका, या उन लोग को जानकारी थी कि चित्रों और तस्वीरों को प्रदर्शित
चित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से इन लोग प्रदर्शित करते थे। इसका सी ऑप्शन कोई भी लिपि उस समय आया नहीं था, इन लोग चित्र तस्वीरों को प्रदर्शित यहाँ पे किया करते थे, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले लिपि चित्र तस्वीर वगैरह प्रदर्शित इन लोग किया करते थे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध घाना पक्षी अभयारण्य कौन कहाँ पर स्थित है, या आपके कौन से राज्य में स्थित है, जोरहाट में, या आपके बारापेट में, नैनीताल में, या भरतपुर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भरतपुर। तो जो प्रसिद्ध घाना पक्षी जो अभयारण्य है आपके पक्षी के लिए इसको जाना जाता है, सबसे ज़्यादा जो पक्षी जो कि प्रसिद्ध है पक्षी के लिए इस अभयारण्य आपका घाना पक्षी अभयारण्य वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो आपके भरतपुर। तो भरतपुर कहाँ पे आता है, तो आपके राजस्थान में स्थित है, तो उसको याद रखिएगा। राज्य पूछे तो आपको राजस्थान लेना है, पक्षी के लिए इसको जाना जाता है, और राजस्थान की स्पेशल पूछे तो आपको भरतपुर आंसर लेना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो प्रसिद्ध घाना पक्षी जो अभयारण्य है आपके राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, तो इसको आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपका भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, या हीराकुंड बांध, या आपका कोसी बांध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध आपका कौन सा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हीराकुंड बांध। याद रखिए सभी को पता होगा आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, संबलपुर में, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे जो लंबा बांध आपके हीराकुंड बांध है, उड़ीसा राज्य के आपके संबलपुर में स्थित है, तो इसको भी याद रखिए। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। नवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है। तो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की यहाँ की जनसंख्या पूछी गई थी, तो 205 लाख, 215 लाख, 235 लाख, या डी आपके 255 लाख। तो इसका जो सही आंसर व्यापम द्वारा लिया था 2000 आपके 12 के मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 255 लाख, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी। इसको याद रखिए, टोटल अगर पूछे तो 2,55,45,198 डाटा है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन लिया गया था 255 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 914, 927, 933, या 940। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 940, याद रखिएगा। ये आपके जो स्टार्टिंग के आंकड़े हैं 943, लेकिन जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है 943 आंसर लिया जा रहा है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लेना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में 943 जो कि लिया जा रहा है, तो आपको ये आपके बहुत 12 का पेपर है, तो आपको 940 लिया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 940। अभी जो क्वेश्चन बन रहा है 943 डाटा दे रहा है, तो ये आपका 943 आंसर, मतलब आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको 940 943 दोनों में से एक लेना है ऑप्शन के हिसाब से। तो आपके 2012 के क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 940 है, तो इसको याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात कौन से राज्य का है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो चूँकि भारत के सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य का है, तो केरल का है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो लगभग वहाँ का जो लिंगानुपात 1,084 है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी है, अगर दूसरा पूछा जाए तो आपको पुडुचेरी लेना है, जो वहाँ का 1,038 वहाँ का लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा केरल का है, उसके बाद सेकेंड आपका पुडुचेरी का है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरवा जनजाति कहाँ से संबंधित है। तो आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, या पश्चिम बंगाल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अंडमान जो निकोबार यहाँ पे जो कि एक जरवा जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, तो कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपके अंडमान निकोबार से संबंधित है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है SSC वगैरह में, तो जरवा जनजाति आपके पाई जाती है अंडमान निकोबार, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन है, ग्रीनविच समय से स्थानीय समय किस दर पर बदलता है। तो 4 मिनट प्रति डिग्री अक्षांश, 4 मिनट प्रति डिग्री दक्षांश, या 14 मिनट आपके प्रति डिग्री अक्षांश, या आपका डी है 14 मिनट प्रति डिग्री अक्षांश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ग्रीनविच समय से जो स्थानीय समय से आपके कौन से दर पर बदलता है, तो आपके 4 मिनट प्रति डिग्री अक्षांश से बदलता है, तो इसका जो ए ऑप्शन व्यापम द्वारा सही आंसर लिया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में, तो याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका किसका सबसे बड़ा उत्पादक है या कौन से धातु का सबसे ज़्यादा उत्पादक है? तो चांदी, सोना, लेड जिसे सीसा भी कहते हैं, या आपका डी है टीन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोना। याद रखिएगा तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना का जो कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर साथ ही साथ जो बिजली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसको याद रखिए। तो दक्षिण अफ्रीका धातु पूछे तो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसको याद रखिए दक्षिण अफ्रीका, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो न्यूटन का, मीट्रिक का, सेंटीग्रेड का, या आपका डी है रिएक्टर का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन रिएक्टर। तो इसको भी बहुत सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो भूकंप के जो तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना का उपयोग किया जाता है? तो आपका रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से भूकंप की जो तीव्रता इससे नापी जाती है। भूकंप की जो खोज है 1935 में खोजा गया था, 1935 में कौन से वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? चार्ल्स जो रिएक्टर थे, सन 1935 में इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें 15 क्वेश्चन है, प्रेयरी क्या है? तो एक विच्छहीन घास का मैदान है, बी है ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, या दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के तट पर एक क्षेत्र है, या डी है एक प्रकार का पादप पौधा है। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को भी पूछा गया है, तो इसको याद रखिए कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेरी जो कि एक वृक्षहीन घास का मैदान, मतलब ये आपके आपके अमेरिका और आपके मेक्सिको जो देश है, इन दोनों के देश दोनों जगह में विस्तृत जो कि घास का फैला हुआ एक मैदान है, USA और मेक्सिको देश के बीच में। तो एक विस्तृत बहुत बड़ा जो कि विशाल घास का मैदान है, तो USA और मेक्सिको जो सिटी है इसके विस्तृत एक घास का मैदान है। तो इसको याद रखिएगा, प्रेरी एक विच्छेद घास का मैदान है, तो इसको ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन हमारा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? तो ये आपके दावानल है, ज्वालामुखी तथा भूकंप है, तेल के कुओं से में आग है वो है आपका, या टी है ताप बिजली घर है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्वालामुखी तथा भूकंप का एक जो कि रिंग, जो पैसिफिक रिंग फायर एक प्रकार का एक ज्वालामुखी है और यहाँ पे भूकंप है। तो इसको याद रखिए, जो पैसिफिक रिंग फायर कौन से देश में स्थित है? तो पैसिफिक जो रिंग फायर आपके प्रशांत महासागर में फैला हुआ एक आपका ज्वालामुखी तथा भूकंप है। तो इसको याद रखिए, वृत्त के आकार में फैला हुआ है कौन से देश में? प्रशांत महासागर में। तो याद रखिए, इसको याद रखिएगा, तो पैसिफिक रिंग फायर आपका ज्वालामुखी तथा भूकंप है। तो इसको याद रखिए, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे नहीं है और है, गुजरती है और नहीं गुजरती, इसको खास करके ध्यान दीजिए। क्या है, हम जल्दी जल्दी कई बार देखे हैं तो एग्जाम में हम इस चक्कर में क्वेश्चन गलत करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देखिए, एक बार नहीं दो बार पढ़िए, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे वो आपको करेक्ट हो जाएगा। तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो कर्क रेखा की बात करो, आपके लगभग 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात एक हो गया, राजस्थान दो हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश 3 हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6 हो गया, और आपका त्रिपुरा राज्य 7 हो गया, और आपका लास्ट में आपका मिजोरम हो जाएगा। तो लगभग 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कर्क रेखा जो है आपके कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे गुजरात देखे हैं, पश्चिम बंगाल, राजस्थान इसमें दिया, तो इन तीनों से तो होकर गुजरती है, बाकी जो उड़ीसा जो राज्य है इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा जो राज्य से कर्क रेखा यहाँ से इस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बाकी जो गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान लगभग 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका ए ऑप्शन उड़ीसा से गुजरती नहीं है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो एट क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो जो अगला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं हम, 18वां क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे।
तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। कमेंट करके बताइए कि आज के सेशन कैसे लगा, और मेंस का जो तैयारी है अगर बुक अगर पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अलग से मैं वीडियो बना दूँगा कौन सा बुक आपके लिए मेंस के लिए बेस्ट होगा। और अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेंस में जो क्वेश्चन का लेवल होगा आपका थोड़ा बढ़ा के आएगा, तो इसलिए थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतने, कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।